अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर सकते तो आप फाइवर पर बिल्कुल ना आए, फाइवर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। 2023 में अगर कोई भी बिगिनर फ्रीलांसिंग करना चाहता है, फाइवर का नाम सुनकर ही घबरा जाता है, बिकॉज अब फाइवर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है। बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज पेशेंस। अगर आप भी फाइवर पर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फर्स्ट डे गिग बनाएं और आपको आपका पहला ऑर्डर मिल जाए। ऐसा रेयर केसेस में जरूर पॉसिबल है अगर आप किसी लो कंपटीशन कीवर्ड पर काम कर रहे हैं या लो कंपटीशन स्किल पर काम कर रहे हैं, या आपका लक और आपकी फॉर्च्यून बहुत ज्यादा अच्छी है। आपको फाइवर पर पहला ऑर्डर मिलने में 2 से 3 मंथ का भी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इतना इंतजार नहीं करना चाहते तो इसका भी सलूशन है मेरे पास। इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर गिग बनाने के बाद आप फाइवर पर ऑनलाइन रहते हैं, अपना 100% देते हैं, तब भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो जरूरी है कि आप अपनी गिग को अपडेट करें या अपनी गिग या अपनी उस स्किल से रिलेटेड कोई डिफरेंट और न्यू गिग को क्रिएट करें जो कि आपकी पुरानी गिग से रिलेट करती हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपने लोगो डिजाइनिंग की गिग क्रिएट कर रखी है तो आप लोगो डिजाइनिंग से स्विच कर सकते हैं YouTube थंबनेल डिजाइनिंग पे। तो इससे काफी ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको लोगो डिजाइनिंग पे अगर स्टार्टिंग में ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आपको YouTube थंबनेल डिजाइनिंग पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। सेकेंड सोल्यूशन इज कि आप कीवर्ड्स को प्रॉपरली यूज करें अपनी गिग डिस्क्रिप्शन और गिग टैग्स में। आप किस तरह से लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं फाइवर पर, उसके ऊपर मैंने एक कम्प्लीट प्रैक्टिकल वीडियो को बनाया था। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। एक और चीज जो कि बहुत मैटर करती है वो है गिग प्रमोशन। जब तक आप अपनी फाइवर की गिग को सोशल मीडिया पर प्रमोट नहीं करेंगे आपको कभी भी ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज फाइवर पर 60% क्लाइंट सोशल मीडिया से अट्रैक्ट होकर ही आते हैं। अब रही बात ऑर्गेनिक फाइवर से ऑर्डर्स आने की, तो यूं समझ लें कि फाइवर भी एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, जस्ट लाइक गूगल, याहू, बिंग एंड गैंडेक्स। अगर आपने अपनी गिग एक हाईली डिमांड स्किल पर बनाई है और उसके अंदर लो कंपटीशन कीवर्ड्स को भी टारगेट करते हुए आपने डिस्क्रिप्शन और टैग्स को लगाया है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको फाइवर से भी ऑर्गेनिकली क्लाइंट्स मिल सकते हैं। एक गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो ये कि अपनी गिग रैंकिंग और रिव्यूज के लिए फेक ऑर्डर्स को परचेज कर लेते हैं, इस चक्कर में कि उनके क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट फाइवर का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है कि वो इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है और इन फ्यूचर आपकी जो गिग की रैंकिंग है वो बरकरार नहीं रह पाती। मेरे फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से फाइवर पर जल्दी ऑर्डर्स लेने के 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1, आप अपनी गिग को एक लो कंपटीशन और ट्रेंडिंग स्किल पर क्रिएट कर। लाइक आप सब जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का दौर आ चुका है। आई मस्ट रेकमेंड कि आप AI के बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, मशीन लर्निंग किसे कहते हैं। आप AI से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स को सीखें और अपनी गिग्स को क्रिएट करें फाइवर पर, बिकॉज दीज आर द ट्रेंडिंग स्किल्स राइट नाउ और ये आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट्स और ऑर्डर्स भी ला कर देंगी। अगर आप AI सीख लेते हैं और अपनी गिग क्रिएट कर लेते हैं, सो आई एम 100% गारंटेड कि आपको ऑर्डर जरूर मिलेंगे और आप भी एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। नंबर 2, मार्केटिंग और क्लाइंट हंटिंग करना सीखें। जब आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस गिग के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेचना आता होगा। आप अपनी सर्विसेज को क्लाइंट्स तक पहुंचाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे अगर आप क्लाइंट हंटिंग को डीपली स्टडी करते हैं। पॉइंट नंबर 2, हार्ड वर्क। जब भी कोई बिगिनर, वो बिगिनर आप भी हो सकते हैं, वो बिगिनर मैं भी हो सकती हूँ, अगर आपने पहली दफा ऑनलाइन अर्निंग करने के बारे में सोचा तो आप YouTube पे या गूगल पर जाकर सर्च करेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और लेट से कि आपको अपनी पहली वीडियो देखने को मिल रही है फ्रीलांसिंग पर और उस वीडियो में बात की जा रही है फाइवर के ऊपर, तो पहली बार में तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्रिएटर और वो राइटर क्या बात कर रहा है। एज ए न्यू पर्सन जब आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप उसी टॉपिक से रिलेटेड यानी कि फाइवर से रिलेटेड और ज्यादा वीडियोस देखना स्टार्ट करेंगे और आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि आखिर फाइवर है क्या और फाइवर पे किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। इसी तरह से सिमिलरली आपको अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करना होगा। आप अपनी स्किल्स पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, डीपली स्टडी करें, न्यू चीजें सीखें जो कि आपकी स्किल से रिलेटेड हैं। डे बाय डे आप हार्डवर्क करते जाएंगे तो आप भी परफेक्शनिज्म की तरफ आ जाएंगे। इस सीखने के प्रोसेस में आप जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे, आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप उसका एक पोर्टफोलियो बनाकर रख लें जहां आपका सारा प्रैक्टिस वर्क डिस्प्ले किया गया हो। देन उस पोर्टफोलियो को आप अपनी फाइवर की गिग में ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि गिग क्लाइंट को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और क्लाइंट का आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा।
इसी ट्रस्ट की बेस पर वो आपको ऑर्डर भी देगा। सो आपको रुकना नहीं है, हार्ड वर्क करना है। फाइवर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आप इन डेप्थ फाइवर के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको हर चीज प्रैक्टिकली परफॉर्म कर बताई हुई है। चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल पर टाइम टू टाइम पैसे कमाने के वेज शेयर किए जाते हैं और ऐसे ऐसे मेथड्स आपको बताए जाते हैं जो कि इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाले हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपने फाइवर पर काम करने का सोच ही लिया है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फाइवर पर एक्टिव रहें, न्यू आइडियाज को ट्राई करें, गिग्स को अपग्रेड करते रहें। ऑर्डर्स नहीं भी मिल रहे आपको स्टार्टिंग में, तब भी आपने अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना। न्यू स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए अपनी गिग्स की सोशल मीडिया पर प्रमोशन करते रहें, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपकी विजिबिलिटी इंटरनेट पर इंक्रीज होगी तो क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर एक बार क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए तो रुकेंगे नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर क्लाइंट्स को आपका काम पसंद आ जाए तो वो आपके रेगुलर क्लाइंट्स बन जाते हैं, जिसके बाद आपको फाइवर से पैसिव इनकम जनरेट करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर अबिलिटीज। फिफ्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई डिफरेंट आइडियाज एंड लर्न हाई पेइंग ट्रेंडी स्किल्स। अगर आपको 2023 में फाइवर पर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है तो अपनी स्किल्स पर काम करना इज द हाईली इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अर्न मनी ऑन फाइवर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ पॉइंट, डोंट फील डीमोटिवेटेड एंड डिग्रेडेड। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट से हमें अपना पहला ऑर्डर और हमने जो सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड की वो उसे पसंद नहीं आई, तो कंग्रेचुलेशंस, ये आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी जो आप चढ़ चुके हैं। बिकॉज एट द वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, फेलियर्स तो आते ही हैं। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, कंसिस्टेंट रहें, पेशेंस रखें और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ काम करें, आपको फ्रीलांसिंग में जरूर सक्सेस मिलेगी। आई होप दिस वीडियो गिव्स यू सम वैल्यू। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।